इसी तरह आज हम सब चीज़ में देखते हैं, हर चीज़ के अंदर टैग लगा हुआ भी आता है, गो ग्रीन। आप बसों में जाओ, ट्रेन में जाओ, रोडों पे लगा हुआ है, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ, और ये स्लोगन आम है। इसको टीवी के जरिए, एडवर्टाइजिंग के जरिए भी उभारा जाता है कि भाई तुम पेड़ लगाओ, नहीं तो आगे मुसीबतें आने वाली हैं। लेकिन जो इस्लाम ने दिया वो मुसलमानों ने उसको आगे पहुँचाया नहीं, तो वो छुप कर रह गया। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक फरमाया इसके ताल्लुक से कि अगर तुम्हें मालूम हो कि कल कयामत आने वाली है तो तुम आज पेड़ लगाओ। जबकि हमको मालूम है कि हम आज बीज बोएंगे तो सुबह तो बाहर भी नहीं आएगा, वो कल तो ख़त्म होने वाला है पूरा, कयामत आने वाली। लेकिन ये कहा कि तुम्हें मालूम है कि कल कयामत आने वाली तो भी आज तुम पेड़ लगाओ। तब इससे बड़ा स्लोगन तो मैं समझता हूँ दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है, गो ग्रीन का, ये पर्यावरण को सुधारने का। तो ये हमारे पास इस्लाम में मौजूद है। असल चीज़ है कि हमने इसको भुला दिया। और जानवरों के हुकूक तक बताएं, हदीस में आता है सही बुखारी की रिवायत है कि एक बिल्ली को एक औरत ने बंद कर दिया, खाने को नहीं दिया, वो मर गई, तो अल्लाह ने उसको जहन्नम रसीद कर दिया। तो जानवरों के ताल्लुक से भी बताया है, बिला वजह किसी जानवरों को मारा जाए। तो हमने क्या किया है कि मुसलमानों ने इस चीज़ को इस्लाम से दूर कर दिया, और इसको जो है वो दूर की कौड़ी कर दिया कि इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। और या कोई करता भी है तो वो ले तो दिखाने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे होंगे, पैसा खा जाते हैं होंगे, चुनाव लड़ना होगा, कुछ राजनीतिक फ़ायदा लेना होगा, इसलिए करते हैं। तो हमने इसको बुला के दे दिया। जबकि अगर हम सहाबा की ज़िंदगी, उसके बाद ताबेइन के तबे ताबेइन और सलफ़ के हमारी ज़िंदगी देखें, तो उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें मिलती हैं कि वो यही चीज़ें किया करते थे, उनका पूरा वक्त इसी में लगा करता था। कई कई तो अपने लिए वक्फ कर चुके थे इन चीज़ों के लिए, जो खिदमत खल के लिए। और उसके लिए हमको आज अगर तारीख पढ़ते हैं या तारीख के जो निशानात जो ताबेइन और सलफ ने जो बनाए हैं, उनकी मस्जिदों को आप जाकर देखिए, उनकी मस्जिदों के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलेगी कि वहाँ पर एक ये क्या था, बोले ये काई का बना हुआ, बोले ये हॉस्पिटल हुआ करता था, ये क्या बनाया, बोले अस्तबल हुआ करता था, घोड़े को बांधने मस्जिद के अंदर, मस्जिद के साथ ही होता था वो, बोले यहाँ मुसाफिर ठहरते थे तो मुसाफिर खाना था, यहाँ उनके लिए खाना बनाया जाता था, और हर जगह हर इलाके के अंदर ये हुआ करता था और मुसलमान इसको करते थे। और आज भी अगर आप जाएंगे कई सिटियों के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक मस्जिद मिल जाएगी जिसका नाम होगा मुसाफिरों की मस्जिद, आपको आम हर जगह मिल जाएगी उसको। अब वो नाम रह गया उसका, वो ख़त्म हो गया, लेकिन वो मस्जिद इसलिए थी रहती थी कि ताकि मुसाफिर आए उसके अंदर, उसमें वो सोए, आराम करे, नमाजें भी वहाँ पर पढ़े, कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए वहाँ पर अस्पताल भी हुआ करता था, उसके लिए घोड़े बांधने के लिए जगह भी हुआ करती थी, उनके लिए चारा पानी का इंतजाम भी हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें होती थी, अगर हम तारीख पढ़ेंगे तो उसमें हमको मिलेगा। और ऐसी पुरानी जो मस्जिदें जो 400 500 साल 700 साल पुरानी, उसमें जाएंगे तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। ये सब मुसलमानों के था और हमारे असलाफ ने किया।